Good morning guys and welcome to another day of summer क्योंकि last vlog में मैंने announce कर दिया था कि अब winters जो है वो आ चुकी हैं क्योंकि इतनी ठंड एकदम से जो weather switch हुआ था but apparently आज का जो weather है वो थोड़ा सही लग रहा है because बाहर अच्छी खासी धूप लगी हुई है although सुबह ठंड थी तो अभी एकदम से you know it's just मैंने अभी खिड़की खोली इतनी गर्मी हो रही थी खैर मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों बाद कैमरा उठा रही हूँ दो तीन दिन तो ऑनेस्टली मैं खुद ही अपना थोड़ा ऑक्यूपाइड थी कुछ कुछ चीज़ें चल रही थी होता ना एक जोन में आप चले जाते हो क्रिएटिव काइंड ऑफ जोन में तो उसमें मेरे वो निकले एंड देन आई वाजंट वेल थोड़ा सा तो उसमें दो तीन दिन निकल गए तो या आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया मुझे कैमरा उठाए हुए क्या मैं यूज़ करूँ ये वाला ब्लश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दिस इज़ फ्रॉम बेनिफिट एंड अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर वी आर गोइंग टू बिस्टर विलेज टुडे लुक एट दिस कलर आई मीन बिस्टर विलेज इज़ बेसिकली अगर आप लोगों को यहाँ से मतलब इतने फेमिलियर नहीं हो तो एक लग्जरी शॉपिंग स्पॉट है इट्स लाइक इट्स नॉट लाइक अ मॉल इट्स बेसिकली लाइक ओपन स्पेस है जहाँ पे आप लग्जरी ब्रांड्स को शॉप कर सकते हैं बट वहाँ पे लेटेस्ट कलेक्शन नहीं होता लग्जरी ब्रांड्स का तो आपको कोई इसी सीजन का कोई बैग या कुछ भी एक्सेसरीज चाहिए तो वो नहीं मिलता है बट यू विल गेट लास्ट सीजन और समथिंग विच इज़ क्वाइट एक्सक्लूसिव टू बिस्टर विलेज तो थोड़ा सा वो एज कम्पेयर टू वट यू वुड फाइंड इन हैरिस और सेल्फ्रिजेस उससे कम प्राइस पे मिलता है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्पॉट एनीवन हु इज़ इनटू शॉपिंग एंड हु इज़ विजिटिंग इंग्लैंड और यूके दे ऑलवेज गो टू बिस्टर विलेज So yeah, it's a must visit place if you like shopping, you know, if you want to do little splurge wali shopping and still you want to save some money, so I think it's really good. In fact, jo maine coach ke bhi t-shirt pehni bhi maine Mr. Village se li thi. To mujhe aap dekh sakte ho piche bahut sare boxes pade hain, mujhe unko arrange karna hai. Okay, main hoti hu ready abhi and mujhe I think 5 minutes aur lagenge. एंड गाइज यू नो वॉट अगर आप ये वाली पेंसिल मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी से बहुत दिखाती हूँ वैसे भी इफ यू फॉलो मी मेकअप वाइज दिस इज फ्रॉम बेनिफिट ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट आईब्रो पेंसिल है बट आई माइट हैव अ ड्यूप फॉर दिस लाइक फॉर वॉट लाइक 1/4 ऑफ द प्राइस दिस इज लिटल ऑन द प्राइस हियर साइड तो उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पर जाना पड़ेगा बिकॉज मैं बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ बिकॉज आई लाइक इट सो मच तो मिल के कुछ ढूंढेंगे ऐसी चीज़ें different brands से बाकी देखते हैं होपफुली अच्छी मिल जाए कभी कभी तो ऐसा होता है बिल्कुल ही बकवास कलेक्शन आई होती है आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट विद यू बट या आज का दिन हमने रखा हुआ बिस्टर विलेज के लिए तो वहाँ पे चलते हैं एंड ऑल्सो लेट मी गेट रेडी फिर मैं आपसे बात करती हूँ एंड आपको बताती हूँ स्पेशल न्यूज़ ठीक है ओके गाइस सो मैं बैठी हूँ यहाँ पे पिछले 15 मिनट से एंड आई एम वेटिंग फॉर मिस्टर भानु चावला आधे घंटे से तो लड़कियाँ एग्जैजरेट नहीं करते हैं वेटिंग फॉर भानु चावला टू गेट रेडी बिकॉज अपेरेंटली ही टेक्स मोर टाइम हो गया रेडी हो गया पक्का ओके कूल मतलब फाइनल रेडी हो जाए फिर मैं उठूंगी बिकॉज मैं प्रॉपर रेडी हूँ आई हैव ऑल्सो टेकन अ ब्लेजर बिकॉज कभी ना धूप आ रही है जा रही है बिकॉज अब जहाँ पे हम जा रहे हैं लाइक आई सेड वो आउटडोर स्पेस है तो यू नो जस्ट टू बी इन द सेफर साइड एंड ऑल्सो गाइज लाइक आई सेड कि मैंने कैमरा बहुत दिनों बाद उठाया तो हम लोग इतनी बात नहीं कर पाए ऑल दो आई वॉज स्टिल लिटल एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम तो आई थिंक द वर्ल्ड नोज इट कि द क्वीन इज़ नो मोर एंड इट वॉज एक्चुअली रियली यू नो एक बहुत ही अजीब सा दिन था इट वॉज थर्सडे सो आई गॉट टू नो थ्रू सोशल मीडिया ओनली आई टोल्ड भानु भानु वॉज तो उस दिन लंडन में था ना वहाँ पे अपने उस पर या तो इट वॉज रियली रियली शॉकिंग एंड बहुत अजीब सा लगता है यार क्योंकि बिकॉज जब से हम लोग बचपन से अपने इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स के बचपन से भी we have known queen you know queen elizabeth exactly, yeah. now the prince charles will take over he'll be the king of the united kingdom and you know so I think it's just it in true sense it is actually an end of an era jaise ki sab bol rahe hain but true. she has lived glorious life so yep I think the united kingdom yeah. is it's going through a very different stage so yeah I mean the moment you sent me that whatsapp message Hey guys, मैं तैयार हूँ शर्ट मेरी बाहर ही आज डोंट वरी या द मोमेंट यू सेंड मी दैट व्हाट्सएप मैसेज आई वाज लाइक इज इट रियल आई मीन लाइक इट वाज अनबिलीवेबल एंड सैड ऑफ कोर्स बट यू नो रेस्ट इन पीस द क्वीन रेस्ट इन पीस दैट्स ऑल वी कैन से एंड या चलो चलते हैं बाहर चलते हैं लेट्स गो ओके सो हम लोग आ गए बिस्टर विलेज
बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है यहाँ पे आके। हाँ, डिफरेंट फीलिंग आती है। व्हाट टाइम आर एक्चुअली लेकिन शांति है यहाँ पे। चलो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आई एम तो ऑल सेट, आई होप मुझे अच्छी चीजें मिले एंड आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट इन। नहीं ले सकते टोरी बर्च में। फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पे जाके कि क्या कलेक्शन आई हुआ है, मैं कुछ लेती हूँ कि नहीं हूँ। लेट्स गो। टैन कलर का अच्छा एक शू चाहिए। टैन कलर में मुझे यही मिल रहा है यहाँ पे, बट साइज की प्रॉब्लम हुई है भाई। 38 एंड हाफ है, 39 एंड हाफ है, 39 ही इनके पास। या विद दिस एक्चुअली, एंड दूसरा ऑप्शन है ये लोफर या फिर ये। आई लाइक दैट वन, नॉट दिस वन। ट्राई कर। गाइज, आधा दिन गुजर चुका है ये यहाँ पे घूमते हुए। मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन मैं पॉजिटिवली कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने व्हाइट शर्ट के अलावा कोई और रंग ले लिया है आज। आई थिंक इट वाज रियली लुकिंग रियली नाइस, द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राउजर एंड शर्ट जो मैंने इसके लिए पिक किया है, ठीक है। एंड इसने हैप्पीली वो एक्सेप्ट कर लिया, व्हिच इज द मेन। एक्चुअली लुकिंग वेरी नाइस, और मैंने एक और शर्ट उठाई थी वो भी वाइट थी, तो मैं अगर छोड़ गया अपना वापस करती। बट नहीं, हैकेट में अच्छी चीजें यहाँ पे, अदरवाइज बाकी सब जगहों पे तो कुछ खास नहीं है, लाइक लिटरली नथिंग। आई शॉप जीरो, यू नो। एक दो जगह आपको पसंद आया है, वी केप्ट इट ऑन द साइड, सो लेट्स सी। ओके, सो वी गोना गो एंड ईट समथिंग एंड देन उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ओके, सो फॉर लंच वी आर हियर। होली कैरेट है यहाँ पे, एक पॉपअप लगा हुआ है, पहले कभी था नहीं यहाँ पे। एंड या इट्स प्लांट बेस्ड एक्चुअली, तो हमने लिया है, मैंने लिए टोफू और ऑबर्जीन एंड बहुत कुछ है इसमें। एंड दिस इज सीजर सैलड बट विद टोफू, नो चिकन। सो एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट इज दिस? इट्स अ कारमा कोला, शुगर फ्री। शुगर फ्री, ओके भाई, मेरा तो ये पानी पर देखो। वहाँ पे वो है राल्फ लॉरेन की, जो हमने कॉफी पी थी ना वहाँ पे, राल्फ कॉफी। हाँ, उसके बाद वहाँ पे ट्राई करेंगे, ठीक है? श्योर, या। ओके गाइज, अब ऐसी नौबत आ गई थी कि बिस्तर वाले भी हमें निकालेंगे, बट लेकिन बहुत तसल्ली से हम घूमे हैं। मैं आपको एक, मतलब अगर आप यूके से, यूके में रहते हो तो बिस्तर में फिलहाल कुछ भी अच्छा नहीं आया। नहीं मानो, व्हाट वुड यू से? टाइम वेस्ट होगा, इतना कुछ खास नहीं आया। मैंने फिर भी एक बैग ले लिया है, फिर भी क्योंकि वरी न्यूज़ तो हमने आपसे शेयर करी नहीं, जो एक गुड न्यूज़ है जो मैं आपको बतानी है, तो हम आपको बताते हैं। अभी गाड़ी में बैठते हैं, हमने खाना वाना अपना उठा लिया है, इट्सो से लिया है। मैंने लिया है सूप, है ना, विदाउट नूडल्स, चिकन सूप, राइट? एंड भानु ने लिया है चिकन, कोरियन स्पाइसी चिकन विदाउट राइस। ओके, तो गाड़ी में बैठते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। इनफैक्ट मैं घर जाके आराम से बात करते हैं, वो सब ना अंधेरा हो गया तो वैसे क्लियर नहीं आएगी वीडियो, है ना? चलो आपसे घर जाके बात करते हैं आराम से। मतलब आपके घर पे नहीं आ रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं। क्या मतलब, आप ही जाएं, यू नेवर नो, बुलाओ तो सही आप। ओके, सब हम आ गए घर पे एंड ऑनेस्टली वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे कब से, कि हमें बिस्तर वाले जाना है, बिस्तर वाले जाना, बट इतना डिसोरिएंटेशन हो रही थी ना, मजा नहीं आया बिल्कुल, क्योंकि सामान नहीं मिलेगा अपनी, मतलब का मजा नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली डिसोरिएंटेशन होएगी, तो यार कुछ दिन थोड़ा कच्चा पक्का सा गया। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे यहाँ बर्थडे आ रहे थे, हम सोचा कि यार जाएंगे तो कुछ बर्थडे के अपना, यू नो, जो जो हमें सामान कुछ पसंद है तो वो ले लेंगे रिस्पेक्टिवली, एक दूसरे को गिफ्ट कर देंगे। तो मेरा गिफ्ट इसका आ रहा है 20 सितंबर को, मेरा आ रहा है 8 अक्टूबर को, और तेरा गिफ्ट रहा पेंडिंग। मैंने ले लिया, फिर भी मैंने ले लिया, मेरा हो गया उसमें काम, मेरा हो गया भाई, मुझे नहीं चाहिए कोई गिफ्ट, ये चाहिए नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, हो गया ये। और प्लस मैं आईफोन
आईफोन 14 भी मुझे लेना है क्योंकि मेरा फोन की हो रखी है वार लगी पड़ी है, नेसेसिटी फोन्स आजकल कोई गिफ्ट थोड़ी होता है वो। अच्छा कह रहा हूं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। एनीवे गाइस, हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, गुड न्यूज जो मैं आपको बता रही थी, आपसे शेयर करनी थी क्योंकि आप में से काफी लोग पूछते भी रहते हैं, तो हमने कहा भाई आपको बता ही देते हैं। ड्रम रोल कर ले। तो हम आ रहे हैं इंडिया। इंडिया, yep. So this is the good news which we wanted to share with you, and we are really excited because excited actually. India का मजा अपना होता है, and हमारे बीच में मतलब हमारे trips काफी लगते रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग दो साल बाद जा रहे हैं, एक साल बाद जा रहे हैं, ऐसा नहीं, हम गए हुए थे, but because of my work and everything काफी often लगते रहते हैं trips. In fact बीच में मैं एक बार हल्का सा मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ, but फिर कुछ reasons की वजह से नहीं हो पाया, तो खैर अब हम और हम जा रहे हैं साथ में। पहले मांगड़ा सो रहा था कि मैं पहले जा रही हूँ, भानु बाद में आ रहा है। अब बेस्ट सीन ये है कि हम दोनों जा रहे हैं साथ में, सेम डे, एंड या सारे फेस्टिवल्स जो इंडिया में मनाएंगे आपके साथ मनाएंगे, फैमिलीज के साथ मनाएंगे, एंड आप लोग भी इंजॉय करोगे हमारे साथ, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। डेट कब है क्या है उसके लिए भाई व्लॉग्स देखते रहो, अच्छे से देखो, एंड या इट्स हैपनिंग वेरी वेरी सून, बिकॉज अभी तो फिलहाल मुझे करनी है बहुत सारी तैयारी, मेरी तो वाट लगी हुई है, तैयारियां भी करनी होती है यार, तो यू नो इट्स लाइक ऐसे नहीं होता है, अपने आपको होता है कि यू नो यू वांट टू गो आउट एंड ऋषि का सलून का सामान वगैरह भी खरीदना होता है, इतना सामान इसको लेना, आई थिंक ये जब भी हम जाते हैं पूरा सूटकेस भर के जाती है, एक मतलब एक बार उसको एयरपोर्ट बोला भी है कि आर यू मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि इतना सारा मेकअप सामान लेके जा रहे हो आप, क्या करें, मैं तो आई लाइक टू यू नो ऑब्वियसली अपने ब्राइड्स के लिए एंड सबके लिए मुझे आई लाइक टू यू नो शॉप फ्रॉम हेयर, तो हाँ सारी मेकअप का सामान है, बहुत सारी चीज़ें अपने लिए सैलून के लिए काम के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें शॉप करनी है, यू नो एकदम से प्लान बना कि अपने वो वॉक इन वार्डरोब वाला जो मिरर वाला काम था अब पता नहीं बाद में कराएंगे, सब कुछ पॉज कर दिया हमने, अरेंजिंग बिकॉज अभी हमें पैक करना है सामान, और उसके बाद पहले सारा सामान जाएगा बैग्स में, बैग से सामान निकलेगा वो जाएगा इसकी प्लानिंग पहले शुरू हो चुकी है, मेरे काफी दिमाग चल रहा है, इसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है पहले, इसलिए मैं अलमारी भी अपने अरेंज नहीं कर पा रही हूँ, बेसिकली इट्स गोना बी हेक्टिक येट फुल ऑफ फन दिस मंथ, एंड स्टे ट्यून्ड यू गाइस, बहुत सारा मजा आने वाला है, एंड फिलहाल यही आपके साथ हमें न्यूज शेयर करनी थी जिसके लिए हम दोनों तो भाई बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही ज्यादा। खैर अभी हम चलते हैं जिम, बिकॉज जिम मिस नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कीटो हमारी बरकरार चल रही है, एंड जिम में थोड़े से दो तीन दिन में नहीं गई थी मैं, अब झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है, लेकिन अभी हम जाएंगे जिम एंड लेट्स गो फॉर इट। तेरे पास 60 सेकंड जिम में जाने के लिए, तैयार होने के लिए, लिटरली जिम में जाने के लिए 60 सेकंड्स है गाइस मेरे पास, तैयार होने के लिए, मैं ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, इसमें जूते पहन लेती हूं मैं, ऐसे चलते हैं, कपड़े चेंज करेंगे 60 सेकंड्स, और ये मेकअप क्या करने में, गाइस तो त्रिशूल बनाया मैंने, इसमें ही जा रही हूं मैं, ठीक है, ये इसी में चलते हैं जिम, ठीक है, चल ले, ऑनेस्टली इट्स फाइन, चल ले, हां गाइस चलो लेट्स गो, अरे रात को 10-11 बजे कौन देता है जिम में यार मेकअप, इट्स फाइन, चल लेट्स गो, एनीवे तेरे पास 60 सेकंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ, मैं 30 सेकंड में कर लूंगा, तू जल्दी निकल, आप लाइक का बटन दबाइए, भाग कर रहे हो भाई, लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, इंडिया आ रहे हैं फिर वहां लाइक करना, और सी यू इन द नेक्स्ट।